वेलकम टू रचना पैराडाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। जी हाँ, आज बसंत पंचमी है तो बस उसी लिए तैयार हुई पूजा करने के लिए। मैं लुक देख सकते हैं आप, और तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यू नो लुक चेंज भी करते हैं। एंड बहुत दिनों से मैं कोई सही मौका ढूंढ रही थी इस ड्रेस को पहनने के लिए, तो आज मुझे वो मौका मिल गया। बसंत पंचमी से अच्छा दिन कौन सा होगा, यू नो दिस कलर सूटेड दिस डे टू मच एंड वेरी मच। तो बस मैं तैयार हुई शाम की पूजा के लिए। सुबह की तो पूजा हो गई थी, तो सोचा कि आप लोग का संग भी शेयर करूँ। पूजा तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पर्सनल है पूजा, तो आज ऐसे ही कर लेते। बस सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ और आप सबको हैप्पी बसंत पंचमी बोल दूँ। एंड सुबह में सारी पूजा सब लोग तो कर ही चुके होंगे, तो आप लोगों ने अपनी पूजा कैसे की मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड ये जो ड्रेस है ना, इसकी एक कहानी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी चलती हूँ, पूजा कर लो, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, बाय। तो आज का जो दिन है वो बसंत ऋतु का पांचवा दिन है, इसे इसको बसंत पंचमी कहते हैं। पुराने जमाने में, मतलब पुराने इंडिया की बात करें अगर हम, तो पूरे साल को छह मौसमों में बांटा गया था। तो उसमें से लोगों की सबसे पसंदीदा जो ऋतु थी, मौसम था, वो था बसंत। क्योंकि यू नो बसंत के मौसम में खेतों में सरसों के जो फूल होते हैं, सरसों के फूल यू नो पीले रंग से, जैसे कि सोना बिखरा हुआ ऐसा खूबसूरत हो जाता है पूरा फूल। फूलों में नई ताजगी आती है और नया नई बहार कह सकते हैं। और इसी समय से ही शायद आम के जो पेड़ होते हैं ना, उस पर बौर आने लगते हैं, जो कि बाद में कैरी फिर आम बनते हैं। तो मतलब मौसम एक तरह से करवट लेता है, मौसम बदलता है और एक खुशनुमा मौसम बन जाता है, जो अधिकतर लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए इसको ज्यादा उत्साह है लोगों में। और आज के दिन ही पूजा होती है माता सरस्वती की, उनसे लोग आशीर्वाद लेते हैं और लोगों को मतलब कह सकते हैं पसंदीदा त्योहारों में से एक है। तो बस उसकी हम भी पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बात पूजा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ एंड बट जो पूजा का स्थान है मेरा मंदिर छोटा सा, वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी उसकी एक क्लिप। तो दर्शन कर लीजिएगा आप लोग भी, और बस भगवान से मांगते हैं सब लोग खुश रहें, सुखी रहें और सबको यू नो सद्बुद्धि मिले। चलिए मंदिर के दर्शन कर लें, फिर मैं आपसे पूजा करने के बाद मिलती हूँ। बाय। को बताई थी, और अभी मेरी शाम की जो पूजा है वो हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छा लगा पूजा करके। और यू नो बचपन में जब हम छोटे थे, हमारे स्कूल में पूजा होती थी, बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था स्कूल कॉलेजेस में। आई थिंक अभी भी होता होगा, बट दिस कोरोना टाइम में नहीं हो रहा होगा। और आप लोग की कुछ यादें उनको स्पेशल मेरे संग जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगा आज, ऐसा लगा कि यू नो थोड़ा थोड़ा बचपन जैसा फील हो रहा था। अच्छे से तैयार हुए पूजा की, और पूजा तो हर साल ही करते हैं बट लखनऊ आकर थोड़ा सा कुछ चेंज तो महसूस हो ही रहा है। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं फिर से और अच्छे से। तो बस यही है एंड भगवान करे माता सरस्वती सबकी जीवन में यू नो विद्या का प्रकाश बनाए रखें और हम सबको सद्बुद्धि दे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुद्धि तो सबके पास यू नो होती है, सद्बुद्धि होना ज़रूरी है, मतलब अच्छी बुद्धि होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं है तो फिर बुद्धि से लोग गलत काम भी कर सकते हैं, तो सद्बुद्धि होना जरूरी है। भगवान मुझे, आपको, आपको, हम सबको सद्बुद्धि दे और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं एंड हमारे जीवन को सुख सुख से भरे, हमारे जीवन में सुख लाएं, यही कामना है मेरी। तो आप सबको फिर से बसंत पंचमी की फिर ढेर सारी मुबारकबाद। एंड अब मैं जाऊँगी डिनर प्रिपेयर करने, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने। एंड बस और ये लहंगा जो मैं बोल रही हूँ ड्रेस, ये एक राजस्थानी लहंगा है। प्रॉपर लुक इसका मैं देखूंगी, अगर अगर मैं कंफर्टेबल होती शेयर करूंगी। तो ये कम से कम 25 से 30 साल पुराना है। ये यू नो मेरे पापा राजस्थान में पोस्टर थे उदयपुर में, वहाँ से लेकर आए थे एंड आज भी हमने इसको 5-6 बार तो पहना ही है और अभी भी इसकी ना शाइनिंग वगैरह आप देख सकते हैं, फैब्रिक शाइनिंग ईच थिंग मतलब एक्यूरेट है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है यूँ कह सकते हैं इसको हम। जो इतने जरी का काम है ना एंड जो कलर कॉम्बिनेशन दैट वॉज ऑसम। और अगर हो सका तो मैं पूरी पिक डाल दूंगी इसमें या लेकर जैसा भी है, तो बहुत अच्छा है। और काफ़ी दिन से मैं सोची थी कब पहनूँ कब पहनूँ, और आज मौका मिल गया दिस कलर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो बस ये छोटा सा वीडियो था आपको बसंत पंचमी विश करने के लिए, और बस और ये लहंगा मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। अगर इस वीडियो में नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ किसी, क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना है, टाइम हो रहा है एंड यू नो
बस उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी मेरे छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल जो भी पहली बार देख रहा है। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।